जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, उसके बाद मैं अभय जी के पास जाऊंगी। वो सीधा कह रहे हैं कि आप लोगों को नेहरू नाम से एलर्जी है और गांधी जी के का जो आपने लगाया है उसमें लेंस नहीं है, आप लोग आत्मशुद्धि नहीं करते हैं, बस बाहर से दिखावा करते हैं। पहले आत्मशुद्धि कीजिए, फोटो ऑप में बदल दिया आपने स्वच्छ भारत मिशन, दोनों पर आपका जवाब सर। देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना, महात्मा गांधी जी ने जो सीख दी उसको चरितार्थ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 11 करोड़ टॉयलेट बने, हमने देखा कैसे स्वच्छ भारत अभियान एक बड़ा अभियान बन गया जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती थी। अब इनको चश्मे के लेंस दिखाई दे रहे हैं और ये क्यों है मैं बताता हूँ आपको। इस पे विशुद्ध राजनीति हो रही है। अंजना जी, मैं आपको तथ्यों के आधार पर बताता हूँ इनके बयान क्यों गलत है। 15 अगस्त 2022 नरेंद्र मोदी जी ने जब भाषण दिया, देश को संबोधित किया, तो उन्होंने नेहरू जी के योगदान की भी बात करी। कर्तव्य पथ, जिस दिन कर्तव्य पथ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी, उस दिन बापू जी को याद करके नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि कैसे ये वो लोग हैं जो हमारे आदर्श हैं और जिनके आदर्शों पे चल के भारत महान बना है। मैं आपको दो उदाहरण दिए हैं, ऐसे तमाम उदाहरण दे दूं। अभी अमित शाह जी के कल के ही वक्तव्य के बारे में आपको बता दूं, उन्होंने भी ये बात कही, कांग्रेस पार्टी ठीक है विरोधी पार्टी है लेकिन उनका योगदान भारत की आजादी में रहा है। और ये मैं इसलिए आपको उदाहरण देता हूं क्योंकि जब हम देश की बात करें, जब महान विभूतियों की बात करें, तो ओछी हल्की घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात सवाल उठा के और उसके बाद मैं एक सवाल उठा दूं और अभय जी के पास, उसके बाद उत्तर ले लीजिएगा। मेरा पहला सवाल यह है, गोडसे की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी तो चाहे भारत में हो चाहे विदेशी धरती पे हो, हमेशा उन्होंने महात्मा गांधी की ही बात करी है। मेरे हाथ पे देखिए क्या है, बाबू लाल चौरसिया, ये गोडसे भक्त हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई में इनकी ज्वाइनिंग कराई है। ये हाथ है, आप ही की खबर है इंडिया टुडे की, पूछिएगा गोडसे कौन करता है। ये पहला सवाल है। तुषार गांधी जी कह रहे हैं गौरव जी, लेकिन चलिए अभय जी इसका जवाब दीजिए। हाँ तो कांग्रेस से पूछ लीजिए ना, कांग्रेस से पूछ लीजिए, उसमें क्या है। और अभय जी, अंजना, अभय जी, अंजना, लिमिटेशन है, ओमिशन नहीं है जो बार बार कहा जा रहा है। थोड़ा दायरा सीमित किया गया है, वक्त की कमी है जो ASI की तरफ से बताया गया है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी उनके भाषण का हिस्सा है और अभी भी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं नेहरू जी की, प्रथम तस्वीर उसमें लगी हुई है तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों की और ये इतिहास कोई नहीं बदल सकता है। इससे दुखद और शर्मनाक बात हो सकती है, जिन आजादी के दीवानों ने, सेनानियों ने इस देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके लिए मोदी सरकार के पास फिल्म के प्रदर्शन में भी समय नहीं है। समय की सीमा में बांधा उन लोगों ने, तो कभी आजादी के संदर्भित विषय पर यह कल्पना नहीं की कि उनके पास समय नहीं है। वो तो कूद पड़े अपना सर्वस्व न्यौछावर करके। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार मात्र के लिए महात्मा गांधी जी का चश्मा उधार लिया है, उनका दृष्टिकोण नहीं अपनाया। अमित शाह साहब का भाषण सुन रहा था, अमित शाह साहब कह रहे थे कि जो इतिहास से नहीं सीखता वो कभी देश महान नहीं हो सकता। अमित शाह साहब, जो इतिहास से प्रतिशोध लेता है वो दल भी जब इतिहास लिखा जाता है तो महान दलों की श्रेणी में उसकी गिनती नहीं होती। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से बनी है, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिशोध की भावना को जन्म दिया। क्या बहस के विषय हुआ करते थे? ये कहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में वैमनस्य था। ये कहते थे महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का नहीं बनने दिया। रोज नए झूठ परोसते थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटले तक को कोट करके इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की। क्या ये देश नहीं जानता? मैं पूछना चाहता हूं, जब आजादी का इस इतिहास को आप पढ़ा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पुरुषों का उसमें उल्लेख क्यों नहीं है? क्यों उस चलचित्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है? क्यों उस चलचित्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बलराज मधोक नहीं है? क्यों उस चलचित्र में अटल बिहारी वाजपेयी लालकृष्ण आडवाणी नहीं है, जो 1909 से लेकर 1911 1924 में जन्मे, जब 40 से 25 साल के नौजवान थे, जब भगत सिंह अपने प्राणों को आहूत कर रहे थे, तब कहां थे आप लोग, बताइए। ये देश पूछना चाहता है।
जब सुभाष चंद्र बोस का जिक्र कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस का वो दृश्य हटा दिया, लाल किले की प्राचीर पर जब आजाद हिंद फौज का मुकदमा चल रहा था तब कांग्रेस पार्टी की डिफेंस कमेटी और हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता लाल किले के बाहर खड़े होते थे और नारा देते थे आजाद हिंद को छोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो। ढिल्लन के खिलाफ जो मुकदमा था, शाहनवाज और ढिल्लन के खिलाफ, उसमें भूला भाई देसाई पंडित जवाहरलाल नेहरू कैलाशनाथ काटजू ने अपने सर्वस्व न्यौछावर करके उन आजाद हिंद फौज के दीवानों की रक्षा की। और आप कहां खड़े थे जब रंगून के रेडियो से सुभाष चंद्र बोस उद्घोष कर रहे थे कि मैं अपनी सेना लेकर बर्तानिया की सेना के साथ लड़ने के लिए घुस रहा हूं, और बापू को संबोधित करते हुए आशीर्वाद मांग रहे थे, जब नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड का नाम उल्लेख कर रहे थे, जब 1941 में सावरकर साहब भागलपुर में ये घोषणा कर रहे थे कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं से आग्रह करता हूं कि बर्तानिया हुकूमत की फौज में भर्ती हो जाओ, जब 1942 में भारत छोड़ो के आंदोलन में मातांगी हाजरा लाल ध्वज लेकर वंदे मातरम का उद्घोष कर रही थी और एक के बाद एक तीन सीने पर गोली खा रही थी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाले फजलुल हक के साथ ये प्रस्ताव तैयार कर रहे थे कि कैसे भारत छोड़ो के इस आंदोलन को कुचलना है, जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान, 6 दिसंबर 1922 से उनको जेल में भेजना प्रारंभ किया बर्तानिया की हुकूमत में, किसी बार 600 दिन, किसी बार 500 दिन, किसी बार 700 दिन, आखिरी जब जेल हुई उनको 1942 में तब 3 साल का सश्रम कारावास हुआ।